हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ये वीडियो कल की है जो मैं आज की वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। थर्सडे की वीडियो में वेनेसडे की वीडियो इंक्लूड कर रही हूँ। और सुबह का टाइम है और लंच की प्रिपरेशन हो रही है, तो एक तरफ मैं जो है सब्जी छोंकने के लिए छोंक रही हूँ और दूसरी तरफ जो है चाय बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया है। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, तेल, हींग, जीरा, लहसुन भून जाने के बाद प्याज उसमें अच्छे से सोटे कर लूँगी। उसके बाद जो है टमाटर और फिर घिया की सब्जी बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली घिया डालूंगी और बेसिक मसाले जो होते हैं वो सारे डालूंगी। और घिया थोड़े मसाले के साथ भुन जाने के बाद उसमें बीच में जगह करके जो है चने की दाल जो मैंने रात को भिगो दी थी और सुबह तक सॉफ्ट हो गई है थोड़ी और 10 मिनट में वो हो जाएगी घिया के साथ, तो उसे मैं बीच में रख दूंगी और घिये से ढक दूंगी। और इस तरह से जो है जल्दी बन जाती है। बहुत से लोग जो है उबाल के बनाते हैं, घी और दाल को पहले उबाल लेते हैं फिर छोंक लगाते हैं टमाटर में और प्याज में, लेकिन मैं दाल को शाम को गला देती हूँ और सुबह इस तरह से बना लेती हूँ, तो बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो अब मैं इसे बनाने रख दूंगी, ढक के रख दूंगी। बीच में जगह बना दूंगी, चने की दाल डाल दूंगी देखिए, और इसको घी से जो है ढक दूंगी इसको, ताकि जो थोड़ी बहुत कच्ची है दाल वो भाप से हो जाए। और इधर चाय के लिए जो दूध रखा था वो भी गर्म हो चुका है और अब इसमें चाय नहीं बनाऊंगी, आज मैं कॉफी बनाऊंगी। कॉफी पाउच डाल रही हूँ। चीनी डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत मीठी तो नहीं पीते हैं, नहीं बहुत फीकी, तो उस हिसाब से मैंने चीनी डाल दी है। और थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर के 10 मिनट उबलने के बाद वो मैंने उतार के रख दिया। और दिन भर के लिए जो बच्चों के लिए दूध चाहिए होता है वो गर्म करने रख दिया है। उधर मैं 10 मिनट के बाद सब्जी को चला के देख लूँगी कि हुई है कि नहीं हुई है। तो दाल तो इतने में हो गई है, लेकिन घिया थोड़ा सा कच्चा है, तो इसे मैं और 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और 5 मिनट के बाद फिर से इसे जो है चला के देखूँगी कि सब्जी हुई है या नहीं हुई है। तो सब्जी में अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला मिला के इसको वापसी ढक दूंगी और कुछ 3-4 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, होती रहेगी ये। और 3-4 मिनट के बाद जो है सब्जी बन जाएगी, तो इसमें धनिया डाल दूंगी। बच्चों का दूध गर्म हो जाने के बाद दिन भर के लिए जो था बड़ी भगोनी में वो मैंने हटा दिया, क्योंकि गर्म हो चुका था। और अब मैंने जो दही के लिए थोड़ा सा दूध बचा के रखा था वो उसे गर्म कर रही हूँ। और उधर मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, तो इसमें मैंने अब धनिया मिला दिया है, हरा धनिया अच्छे से मिला दिया है। और अब मैं सब्जी को जो है उतार के रख दूंगी, तवा चढ़ा दिया, आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था। तो जो पहली रोटी होती है वो गाय की होती है, तो गाय के लिए रोटी बना दी है, वो सिक रही है तवे पे, फिर मैं ऐसे ही सारी रोटियां बना लूंगी। और इधर हमारा दही के लिए जो दूध गर्म करना था वो भी हो चुका है। तो इस तरीके से मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सारा काम होता है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और यहाँ पे मैं
वैसे रूही की कटिंग मैं 1 घंटे पहले कर चुकी हूँ, लेकिन ये रो रही है कि मेरी वीडियो नहीं बनाई है कटिंग करते वक्त। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो बना देती हूँ, वरना पूरे दिन रोएगी और सर में दर्द करेगी। तो इसलिए इसकी फिर से कटिंग कर रही हूँ, बहुत हल्की हल्की। देखिए वैसे तो दिख ही रही होगी आपको, ब्लैक कपड़े पर उतनी साफ नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी कटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो थोड़ी सी और शार्प कर दूँगी इसकी कटिंग को, और ये भी खुश हो जाएगी। और उसके बाद मैं भी अपनी आईब्रो जो है बना लूँगी खुद से ही, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन बाद हम जो है कहीं जाएं, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे। तो इसकी कटिंग कर दूँगी मैं, और बताना कि भाई कटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। यू शेप में की है, एक्चुअली इसके कर्ली हेयर हैं, तो कटिंग करने के बाद वैसे तो उसके बाल शोल्डर से नीचे हैं, लेकिन जब सूख जाते हैं और कर्ली हेयर रोल हो जाते हैं तो वो शोल्डर तक ही दिखते हैं बस। तो ये अब खुश हो गई है कि इसकी वीडियो बन गई है, और मैं भी जो है नहाने के बाद खाना पीना बनाने के बाद अपनी आईब्रो सेट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही थी खुद से ही बाहर मिरर लगा के, मैं ऐसे ही करती हूँ खुद से ही घर पे अपनी आईब्रो सेट कर लेती हूँ। और अगर कोई फंक्शन है, शादी है, पार्टी है, और मुझे पहले से पता होता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, तो मैं थोड़ी सी ग्रोथ जो है बढ़ा लेती हूँ, मतलब बढ़ जाती है कुछ दिन में, तो मैं पार्लर पे जाके ही बनवाती हूँ, शेप जो है अच्छी आ जाती है। अदरवाइज़ अगर मेरे को घर पे ही रहना है तो मैं अपने खुद से ही जो है बना लेती हूँ। फिर थोड़ी देर में जैसे कि मैं सेकेंड आईब्रो अपनी बना रही थी तो किसी का फ़ोन आने लग गया, तो वो मैं आगे आपको नहीं दिखा पाई कि मैंने दूसरी आईब्रो कैसे सेट की है पूरे तरीके से, फिर किसी दिन बताऊंगी आपको। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जग गए हैं हम, आज मयंक के पापा जी नहीं हैं, तो सारा काम जो है धीरे धीरे हो रहा है। और अभी बज चुके हैं 8:30 सुबह के, और दिन है आज, क्या दिन है आज? आज भी थर्सडे। आज है थर्सडे, और एक अच्छी खुशखबरी भी है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी पहले हम चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे, और फिर बताएंगे। और मयंक अभी लेके आया है दूध, तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है, मयंक ले आया है दूध। तो दूध मैंने एक तरफ जो है बड़ी भगोनी में पूरे दिन भर के लिए जो दूध होता है वो गर्म करने के लिए रख दिया है, और उसमें से थोड़ा सा दूध छोटी भगोनी में करके जो है चाय बनाने के लिए रख दी है। और मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मतलब थोड़ी सी तो चाय बनानी होती है तो पानी वानी मैं नहीं उबालती हूँ, ना ही उसके साथ वो जो पहले अदरक, और वो सीधे मैं दूध रख देती हूँ, उसमें ही चीनी पत्ती अदरक डाल देती हूँ, और 10-15 मिनट तक जो है वो उबलती रहती है और एकदम कड़क मस्त चाय बनती है। क्योंकि थोड़ी सी 2-3 कप ही तो बनानी होती है, इसलिए डायरेक्ट दूध में ही डाल देती हूँ ये चीज़ें। और अब ये इन्हें गर्म करने रख दूँगी, दूध गर्म हो जाएगा, चाय उबल जाएगी। तो अब जो है मैंने ब्रेड खोल लिए हैं, क्योंकि बच्चों को ब्रेड खाने हैं इसीलिए। तो ब्रेड को मैं जो है देसी घी से ही सेक लूँगी, मक्खन वक्खन नहीं लगाऊँगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे की आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं एक एक करके सारे ब्रेड जो है सेक लूँगी अच्छे से। एक तरफ देखिए अभी भी चाय जो है बॉईल हो रही है, उबल रही है, अभी भी खतक रही है, हमारे यहाँ बोलते खतक रही है चाय। अच्छे से उबल जाएगी तो उसमें और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, एकदम कड़क मस्त वाला। तो देखिए यहाँ पे जो है ब्रेड आधे सीख गए हैं, आधे सीखने को बाकी है अभी, तवा ज़्यादा गर्म हो गया तो ब्रेड जल भी गया। तो मैं फ्लेम को जो है लो कर लूँगी और सारे ब्रेड ऐसे ही सेक लूँगी। देखिए सारे ब्रेड सिक चुके हैं, तो अब मैं कुछ ब्रेड पे जो है जैम लगा दूंगी, और कुछ ब्रेड पे सॉरी जैम नहीं लगाऊंगी, मेयोनीज लगाऊंगी, और कुछ ब्रेड पे लगाऊंगी केचप, क्योंकि बच्चों को मेयोनीज, केचप, जैम ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी उस पूरी तरीके से गर्मी भी नहीं आई है, वरना इनका तो रोज़ सैंडविच चलेगा,
के बीच में टमाटर लगाओ और खीरा लगाओ, मेयोनीज लगाओ, केचप लगाओ। तो अभी खाली मेयोनीज और केचप लगा दूंगी ऐसे और इनको दे दूंगी नाश्ता करने के लिए। अब 9:15 का टाइम होगा जब ये ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि 9 बजे तक आई थिंक बन गया था ब्रेकफास्ट। और अब मैं कप में चाय कर दूंगी इनके लिए और थोड़ी सी नमकीन दे दूंगी साथ में इन्हें। ये हो गया बच्चों के लिए नाश्ता रेडी, आप भी कर लीजिए भाई अच्छा लगे तो। आप भी खा लीजिए ब्रेड, आप भी नाश्ता कर लीजिए, ब्रेड बना के खाइए और मौज मनाइए, खाइए। मयंक अभी जो है नहा के आ गया है, पीछे गाने चल रहे हैं टीवी में। देखिए नहा के आने के बाद कपड़े वपड़े पहन के इसका तो खेलना शुरू हो गया है और रूही गई है अभी नहाने के लिए। तो इतनी देर में मैंने जो है ये देखिए सब्जी काट के रख दी है, ये ऊपर लहसुन कटी हुई रखी है और आलू गाजर मिर्ची जो है काट के रख दी है। अब रूही नहा ली, उसको तैयार कर दूंगी, उसके बाद जो है मैं नहा के आऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी, पूजा करूंगी। एक्चुअली आज पूजा भी करनी है जल्दी, पूजा करूंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो एक लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो का जो है यहीं पे एंड कर दूं। और दूसरा लग रहा है कि अभी जो है थोड़ा काम रह गया उसे कर लूं, उसके बाद वीडियो को एंड करूं। तो ऐसा करती हूं कि मैं नाश्ता तो कर ही चुके हैं, नहा लें, पूजा कर लें और लंच रेडी कर लें, फिर वीडियो का एंड करते हैं। ओके हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? देखिए मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, अभी नहा धो के तैयार हो जाइए। और मम्मी अभी नहाने गई हैं, अब देखिए जादू, 1 2 बूम, देखो जादू। हेलो, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं। अभी मेरी अभी अभी छोटी हुई है, मैं अभी तैयार हुई हूँ, मम्मी नहाने गई हैं। वक्त मम्मी ना के आएंगी, हम पूजा करेंगे। और देखो मम्मी ने कल इसके बाल कटिंग किए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो देखो। बाय, पीछे से देखो। हाँ देखो, बाय बाय। तो गाइज यहीं कर रही हूँ मैं वीडियो का एंड, और आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, इससे आगे की वीडियो जो होगी। और हाँ, जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि मयंक और रूही की बुआ जी के हुआ है बेबी गर्ल है या बॉयज, ये सरप्राइज है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि बेबी हो गया है और ऑपरेशन से हुआ है, इसीलिए इसके पापा कल जो ऑफिस से वहीं पहुंच गए हैं सीधे हॉस्पिटल, घर भी नहीं आए थे। तो वो आ जाएंगे तभी हम बात करेंगे, वैसे हमने सुबह बात कर ली है लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, आके बताएंगे कहाँ है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी सरप्राइज़ है कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है,
पर हुआ ऑपरेशन से। फिलहाल बेबीज मॉम दोनों ठीक हैं। और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आगे की वीडियो देखने को मिल सके। बाय बाय। और जादू वाली वीडियो को भी लाइक कीजिए।